हर इंडियन फैमिली में ऐसा होता है ना कि जब तक आप लोग उनको दिखा नहीं देना ना, ये ऐसी रहती है, तो ऐसे बोल, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं होता, अरे ना भाई ऐसा हो ही नहीं। एवरीबडी वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। क्या हाल चाल? अभी सुबह सुबह कॉलेज में आ चुके हैं यार। पता नहीं आलस वाला दिन है आज, कुछ ज़्यादा ही आलस आ रही मेरे को। क्या कर सकते हैं यार, मैं लग रहा है मंडे की आलस अभी तक है। मंडे की आया कॉलेज, इसकी आलस अभी तक है। 10:30 से लेकर 6 बजे तक आज तो कन्फर्म है। वेनसडे से 11:30 से हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं, ट्यूशन तो 9:30 का ही रहेगा हमेशा, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा 1 घंटा यहाँ पर थोड़ा। कल तो मैंने 2 व्लॉग एडिट किया एक साथ, तो आधा व्लॉग यहाँ पर एडिट कर दूंगा, और मेरा जो ब्लूटूथ है ना वो कनेक्ट हो गया, तो अभी उससे यहाँ पर एडिट करना आसान रहेगा, क्योंकि वो स्पीकर में फुल फास्ट रख के तुम एडिट कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। साथ यहाँ पर नन खड़ा है, लस है इसलिए थोड़ा एनर्जी नहीं आ रही है, बाकी मस्त करेंगे व्लॉग, लेट्स गो। तो गाइस अभी ब्रेक टाइम है, अभी मैं खाना खाने आ चुका हूँ। चलो गाइस ब्रेक टाइम, चलो चलो। ए तो गाइस सीन ऐसा है, हमारा अभी खाने के बाद जो 2 से 3 का लेक्चर EM का होता है, पर उसके बदले आज NCC का सेमिनार होने वाला है। हाँ। पता नहीं क्या होगा, पर सब दोस्त चले गए तो हम भी जा रहे हैं। जा रहे अभी बारी बारी जाएंगे सब लोग। पता नहीं इस बार रूम नंबर पूरा चेंज कर रखा है, तो उसके हिसाब से हम जाने वाले हैं। वैसे तो हमेशा सेट होता है, बट इस बार चेंज किया क्योंकि NCC वालों का सेमिनार है। देखते क्या करना है, चलो। हाँ ये राजमा चावल, हाँ देखो आता है क्या राजमा चावल? कौन सा? हाँ गाइस वो ऐसा ना कि भाई हमारे घर में राजमा चावल, मतलब उनको मालूम है कि राजमा क्या होता है, बट वो राजमा चावल कैसे बनाया जा सकता है वो थोड़ा आता नहीं है। वो बात चल रही है, डिस्कशन वो चल रहा है, देखते भी क्या करता है, क्योंकि मेरे को वो आजकल बहुत पसंद है। मैंने एक बार मंगाया था बट काफी सो में अच्छा बात सोते सोते एक्सरसाइज। तो गाइस अगर आप लोग के घर में भी ऐसा अगर हो रहा ना, बताना मेरे को कि हर रोज रात के 8 बजे ये डिस्कशन होता है कि भाई आज खाने में बनाना क्या है, बताओ क्या खाने में बनाएगा, पूरी चक्की चलती है। इसको पूछो फिर इसको पूछो। मैं मिलेगा क्या? दादी अम्मा बोल रही है कि यहाँ पर पीछे दुकान है ना, वहां पर मिल जाएगा राजमा चावल। क्या पता अच्छा ये तो वहाँ, मतलब दादी वो बोल रही है कि दादी बोल रही है कि कैसे बनाना है, वो तो YouTube पर भी देख लेंगे। है YouTube पर भी मिल ही जाए भाई वीडियो के हम बनावा। तमने बताया भाव से ले, अरे हारा लाख से एक बार टेस्ट, मतलब यार गाइस ऐसा इंडियन फैमिली में ऐसा होता है क्या? दाल भात बनावना, मतलब दाल जो है अच्छी चोरी क्या हो एवा हो पेने भात बनावना, खाली भात बनावी नाखवाना ने राजमा आवलू। अरे मतलब वो देख ही लूंगा भाई मैं YouTube में से। मतलब हर इंडियन फैमिली में ऐसा होता है ना कि जब तक आप लोग उनको दिखा नहीं देना, ये ऐसी होती है, वैसे बोल, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं होता, अरे ना भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक तुम प्रूव नहीं करोगे ना, अरे एक चीज है ये खाने की, नहीं नहीं ये नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? हे भगवान। तो दादाजी को कुछ खाना है तो राजमा चावल को कुछ खाना है। वो तो राजमा चावल इतना कड़क तो थोड़ी होता है, वो तो खा सकता है ना कोई भी। हाँ पोचा पोचा एक बार ट्राई करके, हाँ एक बार ट्राई करके देखते हैं, सभी घर मेंबर्स के लिए बनाकर देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो काफी सही लगेगा, क्योंकि हमने सिर्फ मैंने खाया राजमा चावल, इन लोग ने नहीं खाया, मैंने एक बार ऑर्डर किया था ना, तो उसके हिसाब से देखते हैं। अभी आज तो बना के रहेंगे भाई राजमा चावल, क्या बोलते हैं मम्मी? अला पोपट हो गया गाइस, राजमा चावल मैंने देखा कैसे बनता है, उसमें बोल रहे हाँ बन तो जाते, कोई दिक्कत नहीं है यार, 4 से 5 घंटे उसको भिगो के रखना है। ये जैसे लाइन आई ना कि आपको ऐसे राजमा लेने का है, फिर आपको 4 से 5 घंटे भिगो कर, मैंने बोला भाई हो गया काम, हो गया काम, अभी अभी मैं जा रहा हूँ सोने, मैं पानी पी के सो जाऊंगा। भाई साहब सीन हो गया भाई। चलो गाइस अभी कुछ और प्लान करना पड़ेगा घर में खाने के लिए, खाना क्या बनने वाला है? तो क्या सोचा दादी आपने, क्या बनाने वाले? आगे तीखा पुडला। अच्छा तीखा पुडला लोट, लसन चटणी, अजमो, अजमो अजमा नाखवाना, लसन ની ચટણી નાખવાની, ચણા નો લોટ નાખવાનો, થોડો બાજરા નો લોટ નાખવાનો, એવું કરી અને એને પાણી નાખીને થોડી વાર અલાઈ મૂકી દેવાનું,
मीठू मसाला नाखी थोड़ी बार बनाओ तो गरमा गरम। सभी यहाँ पर दादाजी गाठिया लाए, गाठिया और कौन सा गाठिया और गोल गाठिया गुड़ 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 गाठिया और गुड़ खा रहे। तो अभी गर्मा गर्म गाठिया आ चुका है, गाठिया और गुड़ खा रहे। काफी से लगता है जब गर्मा गर्म गाठिया खाते हो ना भाई, एवर भाई सब मतलब हमारे घर में गुजरात में गाठिया नु चलन होता है। हाँ वही वही दादी बोल रही कि गुजरात में यहाँ पर गाठिया का मतलब कोई भी गुजराती पूछ गाठिया पसंद है मतलब वो भाई, हाँ भाई गाठिया पापड़ा फाफड़ा गाठिया नेक्स्ट लेवल भाई, और वो भी संडे के दिन में गाठिया। वो दादी बोल रही कि हमारे भावनगर में गाठिया का सबसे ज्यादा मतलब लोग मतलब यहाँ से गाठिया पैक होके कंट्री आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। गाठिया बहुत सही नाम है गाठिया का, और यहाँ पर बहुत फेमस भी है यहाँ का गाठिया, काफी मजा आता है। और गाइस अगर आप लोग में हमारे भावनगर में गाठिया दाड़म अने लाल जमरो वो प्रख्यात। वही 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 डिब्बा होता है, तो वो जैसे ही खत्म होने का ऐसा लगता है कि कल सुबह खत्म हो जाएगा नाश्ता करने के बाद। तो आज ही दादा बाहर जाते हैं ना ऐसे घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, तब तक वो लेकर आ जाते हैं हमारे घर में। मतलब एक दिन तो ऐसा हुआ था ना, चाय हो ना हो हमको भाई गाठिया चाहिए। ये दादा देखो नीचे। तो भाई मजा आ जाता है, सही है। तो फिर तो चलो गाइस अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम बनने वाला है खाने में। अभी तो पुटला बनने वाला है, आप लोगों को दिखाऊंगा। वो बेसन ना खानो ना, पानी फिर मिर्च मसाला और वो सब डाल के पुटला जो बनने वाला है वो मैं आज खाने वाला हूँ भाई। आज तो भाई सीन हो गया, कल देखते क्या होता है वेडनेसडे। गाइस अभी दूसरा दिन है, दादाजी का जन्मदिन है, तो उसके लिए थोड़ा आज अरेंज करने वाले, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। दादा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तमार थैंक यू बोलवानू। थैंक यू। अमे तमने हैप्पी बर्थडे कहिए ने, એટલે તમારે થેન્ક યુ બોલવાનું। હા ચલો હેપી બર્થડે। થેન્ક યુ। આહા મહાદેવ મહાદેવ। કેટલા વર્ષના થયા દાદા? હે કેટલા મુ વર બેઠું? 82 મુ વર્ષ બેઠું બાપા। 82 એટલે 82। ઓહો ઓલરાઇટ સો ગાઈસ અભી આપ લોકો નેક્સ્ટ વ્લોગ મે આપ લોકો કો પતા ચલેગા કે મે ક્યા ક્યા કરને વાલા હું। तो गाइस वो सरप्राइज भी अरेंज कर रहे हैं दादाजी के लिए, उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो गाइस तो देखते हैं क्या करना है अभी। तो यहाँ पर आंटी हंस रहे, क्या हंसो सो। ऑलराइट तो गाइस चलो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मिलता हूँ। लेट्स गो।